लिखा है being wealthy is being wealthy. Just play of words. अगर आप खुश हो, खुश हेल्दी हो, तो ही वो पैसा कमाने वाला काम आने वाला है. जो आप बिजनेस कर रहे हैं, जो आप अलग अलग प्रोफेशन में हैं, जो भी हैं, लेकिन अगर आप खुश नहीं हो, अगर आप हेल्दी नहीं हो, तो उसका कुछ मतलब नहीं है. आप आजकल शादियों का मौसम चल रहा है, सब लोग खाना खाने जाते हैं, रिसेप्शन में जाते हैं, लेकिन सब लोगों को फिर शुगर है, डायबिटीज़ है, बीपी है, में इतनी सारी वैरायटी रहती है, स्वीट्स रहते हैं, बट लेकिन नहीं खा पाते. आपको व्हाटएवर आपकी जो भी कार है, कितना भी उसका कंफर्ट रहो, या बेड जो भी स्लीप वेल, क्योर मैट्रेस जो भी हो, अगर आपको बैकएक है तो यू आर नॉट एबल टू स्लीप वेल, है कि नहीं. तो उसके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्री रिक्विजिट इज योर हेल्दी बॉडी. अगर वो है तो सब है. आप सबको पता है हमारी आरती क्या है, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जग, आप गावा ना घर, तो बिकमिंग लाइन आओ, तन मन धन सुख संतति इच्छा पल पावे, ऐसा है. तो उसमें उन्होंने लिखा है तन मन धन, जानबूझ के वैसा लिखा है. आई डोंट नो किसने बनाया वो आरती. पहले तन, पहले धन नहीं है, है कि नहीं. पहले धन होता तो पहले धन मन तन हो जाता था. पहले तन बॉडी, देन मन माइंड, देन धन. तो हमारा सीक्वेंस उल्टा है. तो ये सीक्वेंस हमारा उल्टा है, इसको थोड़ा सीधा कर दे तो नेशन विल बिकम ग्रेट. तो जब वेलनेस की बात आती है तो इट इज नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिसीज. WHO डेफिनेशन क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ का डेफिनेशन इज नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिसीज बट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल. ये चारों चीजें अगर आप हेल्दी हो, देन ओनली यू कैन बी कॉल्ड एज हेल्दी. अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, नॉट ओनली फिजिकल बट ये चारों एस्पेक्ट्स में अगर आप सही है, दुरुस्त है, तो ही आप